आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताऊंगी। पृथ्वी पर प्रत्येक समूह में किसी न किसी प्रकार के विकास के आयाम देखने को मिलते हैं। इन्हीं विकास प्रकृतियों के आधार पर समूह विशेष में विकसित हो रहे विविध लक्षणों की प्रगति का ज्ञान होता है। अनावृत बीजी सबसे आदि प्रिमिटिव प्रकार के बीजधारी हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफेस्टस ने अपनी पुस्तक इंक्वायरी इन ट्रो प्लांट्स में किया था। यह एक अति प्राचीन व विभिन्न प्रकार के जीवाश्मीय व जीवित पादपों से निर्मित समूह है। प्रवृत्ति अथवा धारा प्रगत प्रोग्रेसिव व अधोगामी रिट्रोग्रेसिव दोनों प्रकार की हो सकती है। जिम्नोस्पर्म एक तरफ टेरिडोफाइट से मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर एंजियोस्पर्मों से भी कई प्रकार की समानताएं व विभिन्नताएं दिखाते हैं। इन समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन ही विकासीय प्रवृत्ति कहलाता है। इन विकासीय लक्षणों का अध्ययन निम्न भागों में सरलता से किया जा सकता है। पहला, पादप का आकारिकीय शरीर में विकास। दूसरा, पादप के जनन अंगों में विकास। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पादप की आकृति एवं शरीर में विकास, अर्थात इवोल्यूशन इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसके अंतर्गत सबसे प्रथम हम आकृति के या मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे। तना टेरिडोस्पर्मल्स, साइकोडिएडल्स, साइकेडल्स व बेनीटाइटल्स में तना अशाखित होता था, जबकि कॉडोटेल्स में बेलनाकार तने पर केवल ऊपर की ओर शाखन पाया जाता था। कॉनिफरल, चिंगल्स व नीटेल्स में तना प्राय अधिक शाखित होता गया व शाखाएं द्विरूपी होती गईं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शुरू में बेलनाकार तना अशाखित था, परंतु विकास के दौरान इसमें शाखन बढ़ता चला गया। कॉर्डिएटेस एक प्रकार से साइकेडेस व कॉनिफर्स के मध्य की कड़ी के रूप में है, जिसमें शाखन सिर्फ ऊपर की ओर ही होता था। सभी जिम्नोस्पर्म के पादपों में गुरुपर्ण मेगास्पोरोफिल व लघुपर्णी माइक्रोस्पोरोफिल्स पर्ण पाए जाते हैं। आज समूह जैसे टेरिडोस्पर्मल्स, बेनीटाइटल्स व साइकेडेल्स में पत्तियां गुरुपर्णी व कॉनिफरल्स, टेक्सेल्स, नीटेल्स व एफ्यूडेल्स में जो विकसित समूह माने जाते हैं उनमें पत्तियां लघुपर्णी पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म के सवन तंत्र का प्राथमिक विस्तार सीमित पाया गया है। अधिकांश वंशों में एकल रंभीय मोनोस्टेलिक स्थिति मिलती है, जबकि कुछ वंश में बहुरंभीय पॉलीस्टेलिक स्थिति पाई जाती है। इनके संवहन तंत्र में अब भी लगभग वही संरचनाएं पाई जाती हैं जो विलुप्त हो गए जीवाश्मीय पादपों बेनीटाइटल्स व कॉडोटाइटल्स आदि के पादपों में मिलती थी। जीवाश्मीय व जीवित जिम्नोस्पर्म में पाई जाने वाली समान संरचनाएं, पहली, तने में संयुक्त सेम पार्श्विक खुले पुल कॉन्जाइट कॉलेट्रल ओपन बंडल्स चक्र में व्यवस्थित होना। दूसरा, जाइलम अंत्यद्विधातु अर्थात एंडार कंडीशंस में जाइलम का पाया जाना। तीसरा, तित्यक वृद्धि उपस्थित कोडाइटेलिस गिंगोलिस कॉनिफरेलिस में ज़्यादा द्वितीय वृद्धि कास्ट ज़्यादा होती है। चौथा, जिम्नोस्पर्म के सभी सदस्यों के फ्लोएम में सह कोशिका का अभाव। पाँचवा, जाइलम में केवल वाहिनिकाएँ उपस्थित। छठा, जाइलम वाहिनिकाओं के साथ साथ वाहिकाएँ भी विकसित हो गई जैसे एफिड्रा। दूसरा है जनन अंगों के विकास। जिम्नोस्पर्म के जनन अंगों में समय के साथ साथ विभिन्न जातियों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जो विकासीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, बीजाणुधानी व शंकु के टेरिडोस्पर्मल्स। जिम्नोस्पर्म्स के टेरिडोस्पर्मल समूह में सबसे आदि प्रकार के टेरिडोफाइटा समूह की जाति साइलोटम के समान स्पष्ट सिनेजिनियम पाए जाते थे एवं बीजाणु वल्यहीन बीजाणुधानियों में बनते थे। पेनीटाइटल्स में शंकु द्विबीजाणुधानी प्रकार के होते थे। इनमें गुरु बीजाणुपर्ण मध्य में व लघु बीजाणुपर्ण परिधि की ओर पाए जाते थे। विकास के दौरान यह सभी बीजाणुपर्ण एक अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित हो गए। इस तरह वर्तमान में साइकोडेल्स व कॉनिफरल्स के नर व मादा शंकु विकसित हुए। साइकस में मादा शंकु नहीं बनते हैं, उसके स्थान पर गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं जिन पर नग्न बीजाणु पाए जाते हैं। आज के पाइनस के मादा शंकु में केंद्रीय अक्ष के चारों ओर गुरु बीजाणुपर्ण सर्पिलाकार
रूप से बीज शलक कॉम्प्लेक्स एक सहपत्र शलक व एक बीजाणुधर शलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। बीजाणुधर शलक पर बीजाणु लगते हैं। साइकस में निम्न आदि गुणों का अध्ययन किया जाता है जो कि निम्न लक्षणों के आधार पर करते हैं हम। पहला, तरुण पत्तियों में कुंडलित किसलीय विन्यास या सिरसिनेट वेनेशन पाया जाता है। इसमें लघु बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानियाँ सौराई में पाई जाती हैं। इनमें मादा शंकु नहीं बनते हैं। इनमें गुरु बीजाणुपर्ण पर्णनुमा होते हैं जो अत्यधिक हासित होते हैं, जिनके आधार हिस्से के पार्श्वीय भाग पर 2 से 8 तक बीजाणु पाए जाते हैं। यह रिजु प्रकार के अर्थात ऑर्थोटोपस प्रकार के बीजाणु कोमल रोमों से ढके होते हैं एवं वनस्पति जग में ये सबसे बड़े होते हैं। दूसरा, बीजाणु ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म के विकास में मादा शंकु बीजाणु व गुरु बीजाणुपर्ण के साथ साथ इनकी आकारिकी में भी बाहरी परिवर्तन हुए हैं। जिम्नोस्पर्म के सभी सदस्यों के बीजाणु में एक ही आवरण मुख्य रूप से पाया जाता है जिसके 3 भाग होते हैं, बाहरी व भीतरी गुद्देदार व मध्य में दृढ़ के पर्त साइकोडोफाइटा जो आद समूह हैं। इनमें बाहरी गुद्देदार पर्त ज़्यादा विकसित पाई जाती है जबकि कॉनिफेरोफाइटा में यह अपेक्षाकृत कम विकसित होती हैं एवं कोमल तरुण बीजाणु में आसानी से देखी जा सकती हैं। निटोप्सिडा में एक और आवरण होता है जो कि सहपत्र के बाहरी आवरण के साथ संयुक्त होने पर बनता है। इस प्रकार इस समूह में 2 आवरण पाए जाते हैं। 2 बाहरी आवरणों की उत्पत्ति विकास की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। फिर है बीजाणुओं की संख्या में कमी। बीजाणु के अंतर्गत हम निम्न पॉइंट्स पर अध्ययन कर रहे हैं। बीजाणुओं की संख्या में कमी, प्रोजिम्नोस्पर्म्स व टाइड्रोस्पर्म में सक्रिय मादा बीजाणुओं की संख्या अधिक आर्कियोप्टेरिस होती थी जो विकसित जातियों में कम होती गई। आर्कियोस्पर्मा में मादा बीजाणुओं के चतुष्क मिलते थे किंतु आज के जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस पाइनस में रेखीय चतुष्क के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनमें केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है जो अपेक्षाकृत बड़ा होता है ताकि बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, क्यूपुल से बीजाणुधर शल्क। आधुनिक जिम्नोस्पर्म में उपस्थित बीजाणुधर शल्क के स्थान पर क्यूपुल पाया जाता था। यह युग्म में लगते थे। प्रत्येक क्यूपुल कई भागों में बटा होता था। प्रत्येक भाग पत्ती समान परंतु ऊपरी भाग में द्विभाजी था। प्रत्येक क्यूपुल की कक्ष में बीजाणु लगते थे। लेजिनोस्टोमा के क्यूपुल में 8 खंड होते थे जो कि एकमात्र बीजाणु को घेरे रहते थे। आर्कियोस्पर्मा सबसे आद बीज धारक जिम्नोस्पर्म माने गए हैं। टाइड्रोस्पर्मिल्स साइकोडियोडेल्स जिनगोगिल्स किनकोगिल्स इत्यादि में बीजाणु पर्णों पर उपस्थित होते हैं परंतु कॉर्डाइटेल्स व कॉनिफेरोफाइटा में बीजाणु स्तंभ पर लगते हैं। लाइजिनोप्टेरिस के बीजाणु की सतह पर कैपिटेट ग्रंथियां उपस्थित रहती थी। टाइड्रोस्पर्म मेल्स में बीजाणु का वह अध्यावरण स्वतंत्र होता था एवं मात्र एलाइजा भाग से जुड़ा रहता था। इनमें बीजाणु द्वारा नहीं पाया जाता था। इनमें सल्पिक्स या लेजिनोबस्टोम नामक संरचना बीजाणु के ऊपर शीर्ष पर स्थित रहती थी। यह पराकणों को पराकोष्ठ में धकेलने में मदद करती थी। साइकेडेल्स व कॉनिफेरल्स के बीजाणु में पराकर्ष उपस्थित होता है परंतु टेक्सिल्स में यह नहीं पाया जाता है। अतः टेक्सिल्स को अन्य समूह की अपेक्षाकृत विकसित माना गया है। तीसरा, युग्मोद्भिद पादप। नर युग्मोद्भिद पादप। नर युग्मोद्भिद पादप में विकास के दौरान बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या में कमी आती है। इसकी प्रोथेलियन कोशिका भी लुप्त प्राय हो जाती हैं। कॉर्डाइटेल्स जो एक आद समूह हैं उसमें 4 या 5 बीजाणु मात्र कोशिकाएं प्रोथेलियल कोशिकाओं की पर्त से घिरी रहती हैं। प्रोथेलियल कोशिका टेक्सेसी में अनुपस्थित होती हैं। चौथा, पुमनु एंथ्रोजॉइड्स। कशाबिका युक्त जल पुमनु आद पादप साइकस में पाए जाते हैं। यह अनुमान है कि जीवाश्मीय समूह के टाइड्रोस्पर्म व साइकेडियोडेल्स में अचल पुमनु होते थे तथा आज जिम्नोस्पर्म के बाकी सभी वंशों में अचल पुमनु बनते हैं। पांचवा, मादा युग्मोद्भिद पादप। मादा युग्मोद्भिद में मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। जब असंख्यक केंद्रक बन जाते हैं
तब यह वह परिधि की ओर स्थित हो जाते हैं। केंद्रकों के जीव द्रव्य के साथ परिधि की ओर जाने से मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। कुछ समय बाद केंद्रकों के चारों ओर अभिकेंद्रीय भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। साइकेडेल्स, गिनकोगिल्स व कॉर्निफेरल्स में इस कोशिकीय भाग अर्थात भ्रूण पोष के बनने के पश्चात स्त्री दानियाँ बनती हैं, जबकि नीटोफाइटा के ऑर्डर नीटेल्स व वेलिटिचेल्स के नीटम व वेलविशिया में सुस्पष्ट स्त्री दानी का भाव होता है। यह इस समूह का विशिष्ट लक्षण है जो बाकी जिम्नोस्पर्म से विकसित प्रदर्शित करता है। छठा, स्त्री दानियाँ। स्त्री धानी जिम्नोस्पर्म के सभी समूह की स्त्री धानियों में ग्रीवा नाल कोशिका अनुपस्थित होती है, अंडदाल नाल कोशिका भी विकसित नहीं होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म तक आते आते स्त्री धानी के विभिन्न भाग जैसे ग्रीवा नाल कोशिकाएँ व अंडदाल नाल कोशिकाओं का अभाव ह्रास होता जाता है। नीटम व वेल्विशिया सबसे विकसित समूह हैं जिनमें एंजियोस्पर्म के समान स्त्री धानियाँ नहीं पाई जाती हैं। सातवां, भ्रूण का विकास। भ्रूणीय विकास के दौरान मुक्त केंद्रीय विभाजन की संख्या में कमी आती है। साइकस व पाइनस में मुक्त केंद्रक अधिक संख्या में पाए जाते हैं, पर एफिडा तक यह संख्या घटकर 8 ही रह जाती है। यह लक्षण भी इसे बाकी जिम्नोस्पर्म से अधिक विकसित प्रदर्शित करता है। उपयुक्त सभी समानताओं विभिन्नताओं के आधार पर तैयार एक विकासीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है जो इस प्रकार है। फर्न्स से प्रोजिम्नोस्पर्म सिडा, प्रोजिम्नोस्पर्म से न्यूलोरोफाइटोन, इससे जिम्नोस्पर्मोप्सिडा जो कि दो भागों में है, टेरिडोस्पर्मिल्स, कोडाइटिल्स। टेरिडोस्पर्मिल्स जो है साइकेडेल्स और साइकेडेल्स का उदाहरण है साइकस। कोडाइटिल्स को तीन भागों में, कॉर्निफेरल्स, गिनकोगेल्स और निटिल्स। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के आदि समूह टेरिडोस्पर्मिल्स संभवतः फर्न से विकसित हुए हैं। फर्न तथा जिम्नोस्पर्म के मध्य एक और समूह की खोज हुई जिसे प्रोजिम्नोस्पर्म सिडा के अंतर्गत रखा गया। प्रोजिम्नोस्पर्मा के गण एनेरोफाइटेल से जिम्नोस्पर्म पादपों का विकास शुरू हुआ। विभिन्न समूहों के पादपों में विकास के लक्षण प्रदर्शित होते गए। आज जिम्नोस्पर्म के निटेल समूह में सर्वाधिक विकास दिखाई देता है। इसके बाद विकास की सीढ़ी पर एंजियोस्पर्म है जो आज धरती की प्रमुख वनस्पति है।